दिल्ली में G20 की बैठक होने जा रही है। इस बैठक से पहले डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। लेटर पर इंडिया की जगह भारत लिखने पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस कार्ड को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आरोप भी लगाया और आरोप ये लगाया है कि सरकार ने देश का नाम बदला है। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वह राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है तो अब नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली में G20 की बैठक होने जा रही है, इससे पहले डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया है, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इस पर अब बवाल है। तो विवाद इस पर खड़ा होता जा रहा है। G20 न्योते में भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। राष्ट्रपति के आमंत्रण पर ये भारत जो शब्द लिखा गया है उसे लेकर यहाँ पर विवाद गहराता जा रहा है। और इस पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस कार्ड को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि दरअसल हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 1 में इस बात का जिक्र किया गया है कि इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। तो नाम को लेकर विवाद यहां बहुत ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया की जगह अब भारत शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति है कांग्रेस को। दरअसल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, जो प्रेसिडेंट को निमंत्रण भेजा गया है उसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसी पर कांग्रेस को आपत्ति है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया गया है जिसको हम आपको दिखा भी रहे हैं और जयराम रमेश कांग्रेस नेता ने ये ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है और ये कहा कि G20 के लिए डिनर के लिए आमंत्रण में मेजबान के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। और मेरे सहयोगी इस वक्त अमिताभ सिन्हा लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अमिताभ, अब शब्द को लेकर क्या आपत्ति है कि भाई निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा है? देखिए, दो चीज़ साफ है। अगर जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं तो जाहिर है उनका इरादा पूरे देश को ये दिखाना है कि कैसे राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी वहाँ इंडिया का जिक्र है। उसके बाद प्रीएम्बल के बाद अगर आप देखें तो इंडिया दैट इज़ भारत, अगर इंग्लिश में इंडिया दैट इज़ भारत, अगर हिंदी वाले कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी संस्करण में जाएं तो वहाँ भारत जो इंडिया है वहाँ भी लिखा हुआ है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि आपको सिर्फ इंडिया यूज़ करना है या सिर्फ भारत यूज़ करना है। आप सरकार के ऊपर है वो इंडिया यूज़ करते हैं या भारत यूज़ करते हैं, इसलिए शब्द के ऊपर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर UPA सरकार है आप आइए इंडिया यूज़ कीजिए, अगर BJP की सरकार है, राष्ट्रपति इसमें चुनकर आई हैं BJP की सरकार में, अगर सरकार के हिसाब से अगर वो भारत कह रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा विवाद की ज़रूरत है। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है, अगर सरसंघ चालक मोहन भगत का बयान देखें, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरे संघ परिवार BJP परिवार के मुखिया माने जाते हैं सरसंघ चालक। अगर उनका यह कहना है कि भारत शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो इसमें अब सोचने वाली बात है, ये पूरे देश की अपील है। दूसरी बात, अगर आप देखें पूर्वोत्तर के राज्य असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिश्व शर्मा, BJP में काफ़ी रसूख वाले माने जाते हैं, काफ़ी ताकतवर माने जाते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के, तो अगर वो कह रहे हैं कि भारत का इस्तेमाल शुरू होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से भी आवाज़ आ गई है, कई BJP के सांसद इस तरह की आवाज़ लगाने लगे हैं, तो मुझे लगता है एक संदेश ये जा रहा है कि कम से कम इंडिया का इस्तेमाल छोड़कर BJP सरकार और BJP की सरकारें राज्य में हैं वो भारत का इस्तेमाल करेंगी। अगर राष्ट्रपति कर रही हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा विवाद की बात है। ठीक है, आगे अगर हम संविधान में देखें तो इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, अगर हिंदी संस्करण में भी देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा विवाद की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष का काम ही आवाज़ उठाना, तो मुझे लगता है यह विवाद अभी चलता रहेगा आने वाले दिनों में। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो साफ साफ कहा था, अपने पंच प्राण का जिक्र किया था पिछले साल लाल किले की प्राचीर से, उसमें एक था कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पानी है, जिसमें ये अंग्रेजी से मुक्ति पाने वाली बात थी, और यही अंग्रेजी से मुक्ति पाने वाली बात है मुझे लगता है जो भारत शब्द के इस्तेमाल की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रही है और यह संदेश भी उधर ही जा रहा है। बिल्कुल अमिताभ, लौटेंगे हम आपके पास, फिलहाल रुक करते हैं नीरज का। नीरज हमारे सहयोगी G20 की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नीरज, G20 के एक इनविटेशन कार्ड से देखिए ये बवाल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, क्या नाम को लेकर यह घमासान आगे ऐसे ही जारी रहेगा BJP वर्सेस कांग्रेस?
देखिए इंडिया के दलों को यानी विपक्ष के दलों को यह लगता है कि इंडिया नामकरण से विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया, उसके बाद से सरकार बौखलाई हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेता डरे हुए, विपक्ष के नेताओं का यह मानना है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो इन्विटेशन गया G20 का 9 तारीख को शाम को 8 बजे, ये इन्विटेशन तमाम लीडर्स को गए हैं और जो गेस्ट बुलाए गए हैं उनको भेजा गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान में संशोधन होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ जी कह रहे थे कि इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 में, आपसे थोड़ी देर पहले किसी कांग्रेस नेता से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि क्या पूरे संविधान में बदलाव भी किए जाएंगे, विशेष सत्र आयोजित होने वाला है उसमें देखना होगा। ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि क्या पूरे संविधान में जहां जहां इंडिया है उसे भी बदला जाएगा या राष्ट्रपति या सरकार जो है। तो ये जो आपने सवाल उठाया है इस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है ये हम आपको बता दें। देखिए राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 के लिए डिनर के आमंत्रण में मेजबान के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि तो ये खबर वाकई में सच है, राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को होने वाले G20 डिनर के लिए जो न्योता भेजा है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। ये वो ट्वीट है जो जयराम रमेश की तरफ से किया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और जैसा कि हमारे तमाम सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे, जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन का नाम जब से इंडिया पड़ा है I.N.D.I.A. उसके बाद से विपक्ष का कहना यह है कि सरकार जो है वो घबराई हुई है और इसीलिए भारत नाम को प्राथमिकता दी जा रही है। इनविटेशन लेटर पर पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत लिखने की वजह यही है क्योंकि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस नाम के बाद शुरू हो गया है, इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। और आपको बता दें दरअसल G20 का ये एक इनविटेशन लेटर है, डिनर का लेटर है जिस पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। हालांकि इससे पहले जब इस तरीके का कोई लेटर जारी किया जाता था तो उस पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था और यही वजह है कि यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के घमासान है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिस पर विपक्ष को आपत्ति है, खासकर कांग्रेस को, जिसको लेकर के जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। और इस पर बीजेपी कह रही है कि आपत्ति क्या है, भारत का इस्तेमाल, भारत शब्द का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो अब जब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जिसमें यह दिख रहा है कि अब ऑफिशियली भी भारत ही सभी जगह लिखा जा रहा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, किसी प्रदेश का नाम बदलना, किसी इलाके का नाम बदलना और भारत का नाम बदलना, मतलब इंडिया चेंज करना, क्या क्या नियम है इसको लेकर? देखिए सीधी सी बात है, ये सरकार के डिस्क्रिप्शन पे है। हाँ। अगर हमें किसी अपने कैपिटल का नाम बदलना होता है, चेन्नई मद्रास से चेन्नई हुआ, बिल्कुल यही मेरे जहन में था भी, बम्बई मुंबई हो गया, बेंगलोर बेंगलुरु हो गया है, पटना को नाम बदलकर हमारे शहर पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की बात हो रही है, कोलकाता हो गया है, तो मुझे लगता है राज्य सरकार प्रस्ताव लाती है, केंद्र सरकार मान जाती है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स होता नहीं है। अगर ट्रेडिशन के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से राज्य सरकारें नाम बदल रही है तो यहाँ पे राज्य सरकार को आपत्ति नहीं है। रेलवे स्टेशन के नाम बदले जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर इसका असली मकसद क्या है, अगर हिंदी इंग्लिश का विवाद पैदा करना चाहती है कांग्रेस या विपक्षी दल, तो यहाँ पर वो ज्यादा सोचने वाली बात होगी। लेकिन रीमा, मैं सबसे पहले यहाँ दो चीजें साफ करना चाहूंगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो 2020 वाली, जो प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में आई है, और दूसरा बार बार प्रधानमंत्री हो चाहे शिक्षा मंत्री हो यही समझाते रहे हैं कि ये हिंदी थोपी नहीं जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। अगर हिंदी को प्राथमिकता मिल रही है, हिंदी इंग्लिश में इंग्लिश से ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है, ये नहीं कि हिंदी को थोपा जा रहा है। और अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में आप बोर्ड के एग्जाम भी दे सकते हैं, आप कंपिटेटिव एग्जाम भी दे सकते हैं, तो ये हिंदी और इंग्लिश का विवाद से इसको जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनके पास हम चलते हैं। अमित, हम अमिताभ सिन्हा को भी सुन रहे थे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। इसके अलावा जो सवाल यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहे जा रहे हैं कि भारत शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, और पीएम मोदी ने भी इंडिया नाम को लेकर के कई तर्क दिए थे, लेकिन हमें G20 की मेजबानी करनी है, उससे पहले ये विवाद।
जी बिल्कुल, और बीजेपी का कहना यही है कि चूंकि भारत सनातन धर्म से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है भारत का नाम, तो इसलिए जब कांग्रेस के लोग भारत के नाम पर आपत्ति जता रहे हैं तो इसका मतलब कि वह भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, भारतीय परंपरा का विरोध कर रहे हैं। और यही मुद्दा आज सुबह से, जब से जयराम रमेश का ट्वीट सामने आया है, तब से कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने ये ट्वीट करके कहा कि भारत नाम से इतनी आपत्ति क्यों, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष का ट्वीट हो या अमित मालवीय का ट्वीट हो या शीर्ष नेताओं का बयान हो। तो अब आने वाले दिनों में इस नरेटिव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आक्रामक होगी कि आखिरकार भारत के नाम पर क्यों उनको आपत्ति हो रही है। और इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले जयराम रमेश का एक और ट्वीट आया है जहां पर उन्होंने भारत BHARAT उसको लेकर भी अपनी बातें कही कि हम भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन इंडिया जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो ये पूरा नरेटिव का एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है और कमोवेश इसीलिए आज बीजेपी ज्यादा हमलावर दिख रही है जयराम रमेश के ट्वीट के बाद। बिल्कुल अमित, तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से अलग तर्क दिया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जयराम रमेश के ट्वीट को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कांग्रेस से सवाल पूछा कि आखिर भारत नाम से दिक्कत क्यों है। सर, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था अमूमन, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत इसमें लिखा, भारत लिखने पर इतराज क्या है? कांग्रेस स्पष्ट करे कि भारत बोलने पर उनको क्या इतराज है, क्या दिक्कत है, क्यों शर्म आ रही है आपको भारत कहने पर, अपने आप को भारतीय कहने पर? इस धरती का, इस धरा का नाम, हमारी मातृभूमि का नाम भारत माता, भारत सदियों से है। कांग्रेस और जयराम रमेश जी के दादे, पड़दादे, नाकददादे के होने से पहले से है, और क्या इतराज है आपको? कभी आप इतराज करते भारत माता की जय बोलने पर, कभी आप वंदे मातरम बोलने पर इतराज करते? ये कांग्रेस की संविधान विरोधी सोच है। हम हमेशा से भारत को अलग अलग नाम से बुलाते रहे, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंद, ये सारे नाम से बुलाते रहे, लेकिन आज अमिताभ जी जो कांग्रेस पार्टी है एक एक करके विवाद कर रही है, कह रही है कि ये हमसे डर गया। अभी मनोज झा का एक हम बयान भी चला रहे हैं, RJD के लीडर हैं, जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से डर गई है बीजेपी और इसलिए नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने जैसी तो कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि सिर्फ भारत को लेकर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि भारत अब इसकी पहचान रहेगी। देखिए, इंडिया है, अब विपक्ष ने इंडिया नाम दिया है तो ये चिंता की बात तो उनके लिए होगी कि अगर कोई इंडिया का नाम नहीं लेगा तो फिर उनके लिए भी परेशानी होगी। इंडिया का नाम लेना, इंडिया को क्रिटिसाइज करना, ये भी किसी सत्ता दल के लिए आसान नहीं होता। तो अगर इसके पीछे राजनीति है, वो सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव का समय और राजनीति की बात करें, लेकिन अगर भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर भारत, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, अगर पूरी सरकार कर रही है, सरसंघचालक कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रही हैं, तो ये प्राथमिकता हो सकती है उस मानसिकता से छुटकारा पाने की जो अब तक चली आ रही है इस आजादी के अमृतकाल में, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि उस औपनिवेशिक मानसिकता से छुट्टी पानी है, उस मानसिकता से छुट्टी पाने की ये शुरुआत हो सकती है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, स्पेशल सेशन भी है, क्या भारत नाम को लेकर कोई रूल बन जाएगा कि अब हर जगह पे आपको भारत इस्तेमाल करना होगा? मुझे नहीं लगता कि रूल बने या कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है, ये उसके ऊपर है। दक्षिण भारत में इंडिया यूज कर सकते हैं, उत्तर भारत में जिसको जैसी जिसकी जैसे श्रद्धा इस्तेमाल करें, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि मोदी सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है भारत का आने वाले दिनों में, और पूरी तरह से जोर लगाकर। तो इस वक्त एक लेटर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उस लेटर से ही अब विवाद ये बढ़ रहा है कि जो विपक्षी खेमा है वो हमलावर हो रहा है कि आप नाम क्यों बदल रहे हैं, आप गठबंधन से डर गए हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग की है। उन्होंने भारत के संविधान में संशोधन कर इंडिया को भारत करने की मांग की। हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अपील की थी कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, ऐसे में इसकी जगह भारत ही संविधान में लिखा जाना चाहिए। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है, और
हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर